अब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल्स को अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या है कि पांच पुली का सिस्टम है, ठीक है, और इसके अंदर ये दोनों जो पुलीज हैं ये मासलेस हैं, ठीक है, बट ये जो बाकी तीन पुलीज हैं इनका कुछ मास है। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर जो स्ट्रिंग यूज़ हो रही है वो एक ही स्ट्रिंग है पूरे सिस्टम के अंदर, जो कि लेट अस सपोज कि यहाँ से M1 के बीच से चाल रही होती है, यहाँ से जाकर, यहाँ से घूमकर, इसके पास आकर, यहाँ से आकर और यहाँ पे एंड होती है। तो जब पूरी एक ही स्ट्रिंग है तो इसका मतलब पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी वो सेम होगी। लेट अस से कि वो टी है, ओके, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है, ओके, यहाँ पे टी है, ये टी है, ये भी टी है, ठीक है। अब लेट अस से कि इन तीनों ब्लॉक्स की जो वेलोसिटी है, इन तीनों पुलिस की जो वेलोसिटी है वो V1 है, V2 है और V3 है। लेट अस से कि ऊपर के डायरेक्शन के अंदर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आप ऊपर का डायरेक्शन लें या नीचे का डायरेक्शन लें, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही डायरेक्शन आ जाती है। तो अब जो M1 मास है उसके लिए देखें तो 2T ऊपर की डायरेक्शन के अंदर, T नीचे की डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वो वर्क एनर्जी वाला जो अप्रोच थी हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो 2T-T इंटू V1 जो ऊपर है, अब वही है कि इनएक्सटेंसिबल है तो कहीं पे भी जो आपकी एनर्जी है वो स्टोर नहीं हो सकती। तो 2T-T इंटू V1 प्लस 2T-T इंटू V2 प्लस 2T, क्योंकि इसके लिए नीचे तो कुछ है नहीं, तो 2T इंटू V3। तो सिर्फ हमारा रिलेशन ये आया, विच कॉन्सिक्वेंटली गिव्स अस दिस इक्वेशन विच इज A1+A2+2A3 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम देखें इन इन इस जो सिस्टम है इस पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाली इक्वेशंस लगाएं तो क्या आएगा। इस मास के लिए क्या है, M2 मास के लिए 2T दैट इज T, जो नेट फोर्स आई इसके ऊपर ऊपर के डायरेक्शन के अंदर, T-M2G इज इक्वल्स टू M2 इंटू A2। मतलब इसके अंदर हमने मान लिया कि एक्सेलरेशन भी ऊपर की डायरेक्शन के अंदर है तीनों मासेस के लिए, और ये आई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, 2T-M3G, M3G जो नीचे लग रही थी इज इक्वल्स टू M3 इंटू A3, और T-M1G इज इक्वल्स टू M1 इंटू A1, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से अगर आप इसको नीचे ले आए, M2 को नीचे ले आए, यहाँ पे M2 लिख दें, ठीक है, और ये A2 की वैल्यू हो जाएगी। अगर ये A2 की वैल्यू आप यहाँ डालें, सिमिलरली यहाँ से A3 की वैल्यू यहाँ पे डालें और A1 की वैल्यू यहाँ पे डालें, तो एक इक्वेशन मिलेगी जिसके अंदर सिर्फ एक अननोन वैल्यू होगी, दैट विल बी T, टेंशन, ठीक है। तो अब इससे हम सिर्फ एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन के अंदर एक ही अननोन है, तो हम इजीली T की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।